एक बारी मूर्ति भी यही है। हम राजस्थान के हैं, मांगीलाल राठौड़ बोलते हैं। सरकार माँ बाप के हमारा जो गणपति है, तो कई साल से ये लॉकडाउन का हिसाब से हम कर्जे से डूबते जा रहे हैं, तो सरकार माँ बाप हमारा जो मदद करो। देखो ये गरागी भी नहीं है, मूर्तियाँ बनाया और भी कर्जा करके, तो फिर गरागी है इसने। हाँ तो हर साल हम डूबते जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम डूबते जा रहे तो खर्चा पानी कैसा, खाने का पीने का हमारा कोई बंदोबस्ती। सरकार माँ बाप हमारा मदद करो, कुछ न कुछ तो करो, हमारा मदद करो। सरकार माँ बाप को ये हाथ जोड़ के हमारी विनती है। मूर्ति कलाकार हम राजस्थान के बहुत डूबते जा रहे हैं, बहुत है बनाने वाले हमारे देश के गांव के। हाँ तो ये हमारे सरकार माँ बाप है, तो हमारा मदद करो। हाँ कर्जा हो गया ना, कितना कर्जा हो गया हमारे से? 40-50 लाख ऊपर है अभी, 2-4 साल से पहले का ने अभी का। अभी कोई गरागी नहीं है साहब, हमारे पास कोई गरागी नहीं है। देखो ये पूरा झुपड़े में माल पड़ा है, मूर्तियाँ पड़ा, देखो ये सब छोटे छोटे माल बनाए, वो भी गरागी नहीं है। अभी 4 दिन है अभी गणपति का। हाँ तो अभी तक कितनी मूर्ति है बिकी? अभी तक क्या मूर्ति बिका? 100-150 मूर्ति बिका है, 1000-1200 में से 1200 मूर्तियाँ बनाए, 1200-1300 में से तो 100-150 बिका है सिलक में। एक मूर्ति बनाने को कितना खर्चा आता? एक मूर्ति बनाने में तो आता ना 400-500 खर्चा आता ही है साहब। हाँ कलर महंगा है, मटेरियल महंगा हो गया, हमारा ब्याज से रुपया ला के रुपये भाड़ा करके हम कर्जे से भाड़ा भर रहे हैं। यहाँ पे झुपड़ी का भाड़ा भर रहे, लाइटों बिल का भाड़ा भर रहे, पानी का भाड़ा बिल सब हम भाड़े से करते हैं कर्जा करके। वालू महानगर में कितने साल से यहाँ पे? 10-12 साल हो गया साहब हमारे को तो। ऐसे तो औरंगाबाद में तो हमको तो 30-35 साल हो गया। हाँ फिर अभी ये, हाँ जी, कोरोना के पहले कैसी स्थिति थी? कोरोना के पहले तो है ना हमारा, हाँ कोरोना के पहले तो थोड़ा हिसाब से चलता था, फिर ये 2-4 साल से डूब गया ये कोरोना से। ये है ना, ये लॉकडाउन का हिसाब से कोई लोग नहीं आते, कोई कोई आते तो वो 1-2 मूर्ति लेके जाते, तो अभी ये 100-150 तो बिका है। अभी 1200-1300 मूर्ति अभी फिलहाल में पड़ा है, अभी क्या करेंगे? डूबता जा रहा है 4-5 साल से। सरकार से क्या? हाँ अभी सरकार माँ बाप को बोलना है कि हमारा है तो लॉकडाउन मत लगाओ, तुम मत बोल, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, हमारा धंधा पानी होना चाहिए, और सरकार माँ बाप हमारा मदद करो, कुछ न कुछ तो हमारा कुछ न कुछ करो। हाँ पहले जैसा चलना चाहिए, जब भी हमारा घर चलता है ना साहब, हम खर्चा पानी कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे? फैमिली में कितने बंदे? फैमिली में बंदे हैं हम तो 8-9 जने हैं। हाँ लड़कियां है, 4-5 लड़कियां है, 2 लड़का है, ऐसा करके 8-9 जने हैं एक टाइम के खाने पीने वाले। खर्चा निकलता है? खर्चा कोई खर्चा नहीं निकलता साहब, अभी तो बच्चों का कोई शादी नहीं हुआ, लड़कियों का भी शादी नहीं हुआ है। हाँ अभी क्या करेंगे, खर्चा पैसा नहीं ना तो शादी कैसे करेंगे हम? हाँ तो डूबते जा रहे हैं ये मूर्तियाँ, मेहनत करते तो मेहनत का तो कुछ मिल रहा भी नहीं है, ऊपर ही ऊपर आ रहा है, लॉस ही लॉस हो रहा है। हाँ हाँ 8-9 जने हैं एक टाइम के खाने पीने वाले। तो सरकार माँ बाप ये हमारी अर्ज है कि हमारा मदद कुछ न कुछ करो। हाँ ये लॉकडाउन का हिसाब से हम डूबते जा रहे हैं। हाँ कोई लोग आ रहे नहीं बीमारी का वजह से, ये हमारी अर्ज है साहब। हम राजस्थानी हैं, मांगीलाल राठौड़ बोलते हैं, ये पंडरपुर में हम रह रहे हैं। ऐसे तो 35 साल हो गया हमको औरंगाबाद में, अभी रह रहा हूँ पंडरपुर में, अपास ट्रांसफोर के सामने हमारा झुपड़ी है, वहाँ से अभी हमारा ये काम काज यहाँ पे चालू है साहब। मदद ज़रूर करो, सरकार माँ बाप हमारा सुनो। हाँ कान खोल के सुनो कि गरीबों का भला करो, काम काज वाले का भला करते जाओ सरकार, तो हमारा सही रहेगा। हम तो डूबते जा रहे, कैसे खर्चे करेंगे हमारे बाल बच्चों का? हाँ